फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, कल आपका नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस टेस्ट हुआ। काफी समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आपको इस परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें मेन इंग्लिश में मैथ्स और जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो इंग्लिश में है, और बाकी जो पहला वाला हिस्सा है मेंटल एबिलिटी वाला, वह तो दोनों में सेम है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये अच्छा लगेगा और आप अपने अंकों का मापन कर पाएंगे इस वीडियो को देख करके। एक रिक्वेस्ट भी है मेरी आपसे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस के साथ मिलान करने के बाद, इसके कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं 2021 का ये नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का पेपर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा, और चलिए मेरे साथ प्रारंभ करते हैं इस पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। तो यहां पर आपने निर्देश सबसे पहले पढ़े होंगे, तो इसको मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो सीधे मैं इस पे चलता हूं प्रश्न पे। तो जो पहला प्रश्न है, पहले से चार प्रश्नों के बीच आपने क्या करना है कि चार आकृतियां दे रखी हैं, इनमें से तीन एक समान है एक भिन्न है। तो भिन्न वाली आकृति आपको खोजनी है, भिन्न वाली इमेज खोजनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए, इसको देखेंगे तो ये TIC इन तीन लेटर्स से बना है, इसमें भी तीनों है CTI और इसमें TEC है, इसमें ITC है, यानी इसमें ई नया है, बाकी में ये आगे पीछे लेटर हो रखे हैं, बाकी वही है। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा सी। और एक बात मैं और बता दूं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर उनको मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी वाला वीडियो देख सकते हैं। ये पेपर की हार्ड कॉपी चाहिए तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड इस पेपर को कर सकते हैं। जो बच्चे भविष्य में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, आने वाले वर्षों में सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह पेपर मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इसको बड़े गौर से देखिए, अंत तक देखिए। ओके, आगे चलते हैं। नंबर दो में यहाँ तीन तीन देते हैं, इसमें चार चार मल्टीपल या गुणा के निशान है, इसमें प्लस के निशान चार तीन है, यहाँ दो दो है, तो सब में बराबर है, इसमें कम ज्यादा है, तो इसलिए ये आंसर सही है। प्रश्न नंबर तीन में अगर हम देखें तो PQRS, देखिए एंटी क्लॉकवाइज तीनों में लिखा है, इसमें क्लॉकवाइज लिखा है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है, इस तरह से लिखा है, और यहाँ घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में सब घूम रहे हैं लेटर वर्ण इनके। यहाँ देखिए, यहाँ त्रिभुज सब अंदर की तरफ है जबकि इसमें बाहर की तरफ है, तो यही आंसर प्रश्न नंबर चार का है। देखिए प्रश्न नंबर पांच से हमें क्या करना था कि हमें एक आकृति यहाँ दी हुई है, इसी के समान आकृति खोजनी है जो बिल्कुल इसके सदृश हो, जो इसके समान हो। तो इसके समान देखिए, यहाँ आकृति सी बिल्कुल इसी के समान है, छठवें का देखिए आकृति सी बिल्कुल इसी के समान है, बाकी तीनों आकृतियां कुछ ना कुछ अलग है, मिलती जुलती दिख रही है, लेकिन आप खोजेंगे एक एक करके। जैसे इसमें मल्टीप्लाई के गुणा के दो निशान है तो इसमें तीन निशान है, यहाँ भी तीन निशान है, इस तरह से अलग है, बिल्कुल सेम टू सेम आकृति सी है। प्रश्न नंबर सात में देखिए, इसी के समान ये भी सी बिल्कुल मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर आठ में देखिए, तो आकृति डी मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर नौ में आपने क्या करना था, एक वर्ग है, इसके तीन हिस्से भरे हुए हैं, चौथा हिस्सा पूरा है, इसको आपने इनमें से आकृति देखना है कि इस ये पूरा करेंगे तो ये कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले वृत्त है तो ये वृत्त को पूरा होगा, उसके बाद यहाँ ये पंक्ति जिस तरह से ऊपर ये तीनों में मिला हुआ है तो इस तरह से ये मिलेंगी, और एक लाइन यहाँ से यहाँ मिलेगी, और लास्ट में यहाँ पर भी वृत्त बन जाएगा। तो बताइए इसमें आपने आंसर क्या लिखा, तो ये हो जाएगा आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसका यहाँ देखिए पैटर्न जिस तरह से इसका है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, बीच में वृत्त है, तो इस तरह से इसका जो मिल रहा है तो बी वाला, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस और नीचे ऋण और यहाँ भाग और इस तरह से बीच में वृत्त है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ अगर हम इसको गोला इस तरह से वृत्त मिलाएं और यहाँ के वृत्त ऐसे मिलाएं, तो यहाँ इनके वृत्तों के अंदर एक एक ये भी हैं लेकिन एक तरफ के नहीं है, तो ये क्वेश्चन बी वाला जो है ये इसका सही उत्तर है। इसको यहाँ डैश मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इस तरह से ये करेंगे, तो देखिए ये बिल्कुल सी वाला मैच कर रहा है। इसमें देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के विपरीत सुई के दिशा में घूम रहा है 90 डिग्री, फिर इधर आया यहाँ, तो अब घूम करके ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा नीचे, तो इसको देखिए जब ये नीचे आएगा तो इसकी आकृति बिल्कुल सी जैसी हो जाएगी। और यहाँ देखिए इसका ये हुआ, इस पर एक और जुड़ा, इस पर एक और जुड़ा, तो इस पर एक और जुड़ेगा, लेकिन ये यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये पहले इधर था नीचे आया इधर आया, तो आपकी बार ऊपर आ जाएगा, और इस पर सीधी रेखाएं होंगी, तो बी वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। जिस बच्चे ने बी लिखा है उसका सही है। क्वेश्चन 15 का देखिए, यहाँ तीर का निशान ऊपर है, इस पे एक गोली वाली ये तीली लगी है, फिर एक तीर का निशान ऊपर था ये नीचे हुआ, तो अब एक गोली और लगेगी लेकिन ऊपर को लगेगी, तो इसका आंसर बी वाला। और यहाँ देखिए ये इस तरह से था, ये यहाँ सबसे नीचे आया, अब यहाँ जो ऊपर था यहाँ सबसे नीचे आया, तो यहाँ जो ऊपर है ये यहाँ सबसे नीचे आएगा, तो इसमें देखिए सबसे नीचे यही बी वाला है, तो अन्य तीन दो देखने की जरूरत ही हमें नहीं है, क्योंकि उसका आंसर पहले ही आकृति से मैच हो चुका है। प्रश्न नंबर 17 से हमें क्या करना था कि जो आकृति पहली आकृति का जो संबंध दूसरी आकृति से है वही संबंध तीसरी आकृति का किस आकृति से होगा, तो यहाँ देखिए इस तरह से था तो ये उल्टा हो गया, ये वाला ऐसा था ये भी उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो इस तरह से ये जो है तो ये ऊपर का नीचे हो जाए, नीचे हो जाएगा, तो ये मैच कर रहा है इसमें और इस दोनों में। अब ये गोला इधर को है तो इधर को हो जाएगा, तो इसका मतलब सही आंसर सी है, डी नहीं है, ठीक है ना, इसका आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ दो लाइन थी सीधी, इसका प्लस बना और चार वृत्त इसके, क्योंकि बाहर से वृत्त है तो इसके बाहर चार वृत्त आ गए, तो ये वर्ग है इसका भी प्लस बन जाएगा, इसके भी चार चार वर्ग अंदर आ जाएंगे, तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए दो त्रिभुज मिले हुए हैं और अंदर की जो आकृति है ये षटभुज बना रही है, छह भुजाओं की आकृति बना रही है, तो यहाँ पर यानी ये हेक्सागोन बना रहा है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ दो आकृतियों के बीच में ये त्रिभुज बना रहा है, तो इसका सही आंसर ये होगा। यहाँ बी सुलटा है, एक सुलटा एक उल्टा हो गया, तो यहाँ ई सुलटा है, तो एक सुलटा एक उल्टा ये हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 21 में एक आकृति दी हुई है, उसके दो टुकड़े हैं, इसे कौन सा उस पे उसको पूरा करता है, उस आकृति को पूरा करता है, तो देखिए इसमें बीच में इस तरह की आकृति, इसमें बी वाली आकृति बिल्कुल मैच यहाँ पे पूरा इस आकृति को कर रही है। इस पे देखिए इसमें डी वाली, इसमें क्योंकि बी वाली भी है लेकिन ये छोटा हिस्सा है, इसलिए डी वाली आकृति इसको बिल्कुल पूरा कर रही है आकृति को। यहाँ पर देखिए इसमें ये वाला पूरा करना है, तो इसको देखिए इस गैप को पूरा करने वाली आकृति कौन सी है, तो यहाँ देखेंगे तो हम सी वाली आकृति इसको बिल्कुल पूरा कर रही है। यहाँ पे अगर हम इसको पूरा करेंगे, सॉरी इसको सीधा मिलाएंगे, इसको सीधा मिलाएंगे, तो इसको पूरा कर रही है बी वाली आकृति। प्रश्न नंबर 25 में हमने दर्पण वाले चित्रों को देखना है कि दर्पण में ये चित्र किस तरह का दिखेगा, ये आकृति कैसे दिखेगी, मिरर इमेज इसे कहते हैं, तो मिरर इमेज में देखेंगे इसको हम, तो ये ठीक उल्टी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगी, तो ये इसका जैसे ये तीर का त्रिभुज है तो त्रिभुज इस तरफ आ जाएगा, और ये जो त्रिभुज यानी ट्रायंगल और ये जो स्क्वायर है वर्ग है ये इस तरफ चला जाएगा, तो इसकी सही आंसर है सी वाला, ठीक है, ये जब पलट जाएगी तो इस पे जो सही आंसर इसका होगा
ये हो जाएगा ए वाला 27 का। जब हम इसको मिरर इमेज इसकी देखेंगे तो इसका देखिए मिरर इमेज इस तरह की बनेगी डी वाला, और ये जो बैंड लिखा है इसकी जो बी ई एंड डी इस तरह से पलट जाएगा ए की तरह। प्रश्न नंबर 29 से कागज को मोड़ करके उसके साथ कुछ करके कैसी आकृति दिखेगी उसको फिर खोल के, इस पर आधारित है। तो इसको देखिए कागज को, वृत्ताकार कागज को हमने एक बार ऐसा मोड़ा, दोबारा फिर ऐसा मोड़ा, फिर उस पर तीन वृत्त बना दिए, तीन ये भी कह सकते हैं तीन छेद किए। तो इसको अगर हम ठीक नीचे को खोलेंगे इधर को तो तीन छेद इधर आ जाएंगे, और जब फिर इधर को खोलेंगे पूरा तो तीन छेद ऊपर और तीन छेद इधर आ जाएंगे। तो ये बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए इसको ऐसा मोड़ा, फिर इस तरफ से हमने इधर को मोड़ा, इसके यहाँ ऐसा काट दिया। तो जब इसको हम ऊपर को खोलेंगे तो जो कटी हुई आकृति है, इसे जो खोलने के बाद जो आकृति दिखेगी वो सी की तरह दिखेगी। 31 पे देखिए, यहाँ से कागज इस तरह से मोड़ा, यहाँ से फिर राइट को इसको मोड़ा और यहाँ से काटा, ऊपर से इस पे इस तरह से काटा, तो ये रेक्टेंगल जब हम एक बार खोलेंगे तो यहाँ रेक्टेंगल बन जाएगा, फिर ऊपर को खोलेंगे तो एक रेक्टेंगल ऐसे में बनेगा और एक ऊपर चला जाएगा, तो इसकी आंसर हो जाएगा सी। इसको पहले ऐसा मोड़ा, फिर एक बार इस तरह से मोड़ा और फिर एक बार इसको ऐसे में यहाँ मोड़ दिया, यहाँ पर एक इसको कट कर दिया। एक बार जब हम खोलेंगे तो ये कट थोड़ा लंबा हो जाएगा ऐसा, फिर दोबारा खोलेंगे तो ये कट इधर आ जाएगा, और फिर दो बार दो कट नीचे आ जाएंगे पूरा खोलने पे, तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न 33 से हमें क्या करना था, यहाँ कुछ आकृतियां शेप्स दी हुई है, इन शेप्स को जोड़ करके कौन सी शेप बनेगी, पूरी पूरी इन तीनों शेप किस शेप में छिपी हुई है ये आपको खोजनी है। तो यहाँ देखिए दो ट्रायंगल है और ये की चतुर्भुज है, चार आंस वाली एक आकृति है, चार भुजाओं की आकृति है, तो ये कौन सी आकृति, देखिए ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए ये इसमें जो 5 आर्म्स हैं और ये दो सेम है, तो दो सेम है, तो ये देखिए ए और ये दो ट्रायंगल हैं, तो ये ए वाला जो है ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये तो है लेकिन ये शेप इसमें नहीं है, तो ए वाले बिल्कुल ए वाला आंसर सही है 34 का। 35 में देखेंगे तो दो ट्रायंगल हैं और एक ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल इसमें ये है, दो ट्रायंगल ये हैं, तो बिल्कुल ए वाला सही आंसर है, बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए ये पूरा एक वृत्त बना रहा है और एक पतला सा रेक्टेंगल है, तो ये वृत्त के बाहर वाला हिस्सा हो गया, तो ये भी ए वाला मैच कर रहा है, बाकी ये आकृति किसी भी आकृति में नहीं छुपी है। यहाँ देखिए ये प्रश्न नंबर 37 से ये आकृति दे रखी है, ये इनमें से किस चित्र के अंदर छिपी है ये आपको खोजना था। तो देखिए ये बी जैसा शेप है, तो ये पहले ही इसमें ए के अंदर छिपा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये वाली शेप देखिए किस में छिपी हुई है, ये बी वाले में छिपी हुई है, ये देखिए ऐसा ऐसा बी जैसा शेप है, तो ये देखिए ए के अंदर ही छिपी है, और ये भी बी जैसा शेप है, ये भी ए के अंदर ही छिपा है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों के आंसर ए। अगर चलिए अब मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है मैथ्स में, विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 नंबर्स 4, 8 एंड 6। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें देखिए, या तो इसका एक तरीका यह है कि इन तीनों का एलसीएम पहले निकालिए, तो इनका एलसीएम होगा 24, और 24 से देखिए सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है जो 24 से डिवाइड हो जाती है। या इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप देखिए तो 8, 4 तो इसका मल्टीपल इसका फैक्टर है 8 का, यानी जो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी वो तो 4 से हो जाएगी, तो इसलिए हम इनमें से छोटी संख्या देखिए जो 8 से भी कट जा रही हो और 6 से भी कट जा रही हो, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 8 4 जा 32, और यहाँ 7 बचा 76 हुआ, तो ये 76 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ये तो दोनों से डिवाइड नहीं हो सकता। इसको देखिए बी वाला, तो 8 4 8 8 जा 64, और यहाँ 2 बचा 24 हुआ, तो ये कट रहा है 8 3 जा 24। अब 6 से काटेंगे तो
सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन जा वन सिक्स, लेकिन ये सिक्स से फोर नहीं कट रहा, आगे नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। इस संख्या को देखिए तो एट से काटेंगे तो एट एट जा 64, और यहां पर देखिए फाइव बचा 56 हुआ, तो एट सेवन जा 56, ठीक है, तो एट से कट रहा है, सिक्स से देखेंगे तो सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स 36 हुआ, तो सिक्स सिक्स जा 36, यानी यह संख्या ऐसी है जो 4 से भी डिवाइड हो रही है, 6 से भी होगी और 8 से भी होगी, तो आंसर होगा सी। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 270 एंड 426 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखिए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करती हो लेकिन इसमें शेष 6 बचता हो रिमाइंडर, तो इसका मतलब इसका HCF निकालना है, लेकिन तब निकालना है पहले इन दोनों में से 6 कम कर देंगे, तो 270 में से 6 कम कर दीजिए तो 264 आएगा, और 264 और इसमें से 6 कम करेंगे तो 420 आएगा। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते रहते हैं। अब जैसे ये वो एक बार डिवाइड हो गया तो ये हो गया 2 से, इसको माइनस करिए तो यहाँ बचा 6, यहाँ 12 में से तो 11 या तो 5 और यहाँ 1, फिर इससे हम डिवाइड करेंगे 264 को, तो ये भी एक ही बार डिवाइड हो रहा है 651, तो यहाँ देखिए 8 बचा, यहाँ 01, फिर इससे हम डिवाइड करेंगे 156 को, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहां जगह नहीं है, 108 और डिवाइड 156, तो एक ही बार भाग जा रहा है, अब यहां से देखिए इसमें फिर हम डिवाइड करेंगे 108 को, दो बार भाग जाएगा, 2 8 16 1 2 4 8 9 96 हुआ, और यहां देखिए 2 बचा 1, अब इससे फिर डिवाइड करेंगे 48 को, तो देखो 12 4 जा 48 होता है, यहां डिवाइड 12 से हो रहा है, यानी इसका जो HCF है वह 12 है। देखिए 43 वाला प्रश्न है, ये डेसिमल का सवाल है, इन सब का आपने सम बताना है, जोड़ना है, इसको ऐड करना है, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद सबसे ये दसवां अंक है, ये दूसरा सौवां होता है, इसको मतलब ये टेंथ है, ये हंड्रेड है, ये तीसरा वाला थाउजेंड है, और ये 10,000 तो वाला है, तो यहाँ देखो 10,000 का एक ही है, तो यहाँ बच ये आए गया 7, फिर ये देखिए जो दशमलव के बाद तीसरा अंक है थाउजेंड वाला, वो यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, तो 7 7 14 हो गया, और 1 बच गया, 1 पीछे जाएगा, तो यहाँ देखिए अब 100 वाले पे, और यहाँ 100 पे 0 है, लेकिन यहाँ 100 पे 7 है, तो यहाँ 7 के साथ 1 ऐड हो गया तो 8 हो गया। अब 10th वाला देखिए यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 ही रहेगा, और देखिए इकाई में क्या है, जो 1 वाली है तो वहाँ पॉइंट के बाद 1 7 है, 7 7 14 21 और 28 28 का 8, यहाँ पॉइंट अपनी जगह रहेगा, और कैरी ऑन 2, और यहाँ देखिए 7 और मैं 7 में 2 ऐड करके 98.7847, ये देखिए, ठीक है ना, आप इसको सीधे में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे वैसा इसको कीजिए। ऑन सिंप्लीफिकेशन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, देखिए ये सवाल है, इसकी आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी लगभग इसका अनुमान से वैल्यू बतानी है, तो इसके दशमलव के बाद अगर दशमलव के बाद के अंक हम हटा देते हैं, तो यहां देखिए कैसे भी 3 के बाद इसका 10th 100th 00 है, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो 3 × 15 प्लस, देखिए ये पूरा ही हट जाएगा यहाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 10th में कुछ भी नहीं है, ये 100th प्लेस पे है, ये 1000th प्लेस पे है, तो सीधा प्लस करके हम लिखेंगे 5, क्योंकि 5 के पास भी ये दसवां सौवां कुछ नहीं है, उसके बाद के हैं, तो यहाँ देखिए इसको ऐड करेंगे तो 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45 प्लस 5 इक्वल टू 50, तो आंसर हो जाएगा 50, तो
तो ये वाला आंसर सी वाला सही है। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू एट 8:15 AM एंड रीच्ड अजमेर एट 2:30 PM। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच अजमेर फ्रॉम दिल्ली इज, तो कितना टाइम इसको लगा, तो देखिए 2:30 PM पे पहुंच रही है, अब अर्थात दिन के 2 बजे हैं दोपहर के बाद के, तो इसमें अगर रेलवे टाइम के हिसाब से देखें तो 12 बजे के बाद 13 एक बजे को कहते हैं, 2 बजे को 2 को बोलेंगे 14, तो 14 आवर 30 मिनट में से 8 आवर 15 मिनट को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ एक साथ घटाते हैं मिनट को, तो 30 में से 15 गया तो 15, और यहाँ 14 में से 8 गया तो 6, अर्थात 6 आवर एंड 15 मिनट्स लगे, तो बी वाला आंसर। 46 वाला क्वेश्चन देखेंगे, अ मैच लास्ट्स फॉर हाफ एन आवर, 1/10 ऑफ द मैच टाइम इज टेकन अप फॉर टाइम आउट, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द टाइम आउट लास्ट, तो देखिए ये मैच चलता है हाफ आवर का मीन्स 30 मिनट, तो 30 मिनट का हम क्या करेंगे 1/10 निकालेंगे, तो इनटू करके 1/10 कर दीजिए तो 3 मिनट, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मिनट्स। राइट आंसर इज 3 मिनट, राइट आंसर इज 3 मिनट्स। 47, If x upon 25 equal to 196 upon x, then x equals. तो इस पे सबसे बढ़िया यही है कि इसमें से इनको एक एक करके आप लगाइए कहां इसका मान इक्वल आता है, तो अगर हम 56 को करेंगे तो 56 upon 25 equal to 196 upon x. नहीं सॉरी 56. तो इसको अगर काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 25 है यहाँ ऊपर, तो इस कोई संख्या ऐसी नहीं है जो जिससे 25 और 56 कटता हो, इसको अगर आप काटेंगे तो यहाँ 25 नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन में, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। अगर हम बी वाला 70 वाला लेंगे तो 70 upon 25 इक्वल टू 196 upon 70, तो यहाँ काटिए इसके देखिए 5 5 जो 25, और इसका 14 आ जाएगा काट के, 1 पहले 1 से कटेगा फिर 4 से, यहाँ देखिए 14 से काटे तो 14 5 जो 70, और यहाँ देखिए 14 1 जो 14 और 14 4 जो 56, तो यानी इन दोनों का मान इक्वल आ गया, तो यहाँ पे आंसर होगा बी। दूसरा तरीका इसका सॉल्व करने का क्या है, इसको हम क्या करेंगे ऐसे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ x को इधर लाएंगे तो ये x x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा और 196 अपॉन 25 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 6 150 15 25 9 225, और इसमें 15 जोड़ के 40 हुआ 240 और यहाँ 25 और कैरी ऑन 24 और 25 में 24 ऐड करके 49 00 आ गया, और यहाँ देखिए x स्क्वायर बराबर इतना हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा इतना, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो x इक्वल टू 70 आ जाएगा, ठीक है। एन आर्टिकल इज परचेस्ड फॉर 7500 एंड सोल्ड फॉर 8400 रुपीज, द प्रॉफिट परसेंट इज, तो ये बहुत सरल है, इसमें आपने प्रॉफिट का परसेंट बताना है, तो ये क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग एसपी है, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट निकल जाएगा, तो 900 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू 100
अपॉन सीपी, तो कॉस्ट प्राइस है 7500। यहां देखिए दो जीरो कट गए, अब 25 3 जा और 25 3 जा और 15 बचा 6 आया, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 16, अर्थात ये आ गया 12%। तो सी वाला आंसर सही। ए बाईस और रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्केट प्राइस, जितना उस पे लिखा हुआ है मार्क किया हुआ है उसके 3/4 पे ये खरीदता है एंड सेल्स इट एट 20% मोर देन द मार्केट प्राइस, व्हाट इज इज गेन परसेंट। तो सपोज हम मान लेते हैं कि इसको जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज है, ठीक है, तो ये उसका 3/4 में खरीदता है, तो 100 का 3/4 आपको पता है 75 होता है, तो आप इसको काटिए तो 4 2 जा 4 5, तो 5 25 3 जा 75, यानी इसको इसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 75 रुपीज हो गया, और सेल करता है ये मार्क प्राइस से 20% ज्यादा, यानी 100 से 20% ज्यादा, तो इसका जो एस सेलिंग प्राइस है एसपी है वो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है, तो ए को कितना खरीदा 75 में, बेचा 120 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 120 में से 75 माइनस कीजिए तो ये हो गया 45, ठीक है ना। तो 45 का परसेंट अगर हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है ना, 5 से इसको काटिए, 5 9 जा और 5 1 जा 5 और 5 ये, फिर 3 से काटिए, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 20 हो गया, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 60% गेन करता हो, 60% का उसको प्रॉफिट होता है। फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर, होल नंबर में आपने इसका पूरा एक्स वैल्यू बतानी है लगभग कितनी है, ठीक है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और 31 से डिवाइड इसको करिए पहले, ठीक है ना, अब बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चलिए हम पहले डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके आप जो आ रहा है आंसर वो 20.39 आ रहा है, ठीक है ना, इसको मल्टीपल करके इतना आ रहा है, तो इसमें इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करके आ जाएगा 17819, तो इसमें ये विकल्प नहीं है, तो इससे मिलता जुलता 17821 है, तो हम इसको आंसर मान लेते हैं, ठीक है। A sum of money will double itself in 16 years at simple interest with a yearly rate of, तो इसमें रेट हमें बताना है, तो माना सपोज करिए आपने 100 रुपए आपने बैंक में रखे 100 रुपीज, तो ये दुगना हुआ डबल हुआ, तो इसका मतलब 200 अमाउंट इसकी हो गई, लेकिन इसमें आपने देखना है कि SI कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट हमको मिला 100 ही रुपए, क्योंकि 100 रुपए हमारे ही है, तो इसको करने का तरीका इसका जो मल्टीपल है प्रिंसिपल 100 है इनटू रेट हमें बताना है, तो एक्स और टाइम हो गया 16 ईयर अपॉन 100 इक्वल टू 100, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, तो यहाँ एक्स का मान कितना होगा, एक्स इक्वल टू, तो ये 100 तो अपनी जगह रहेगा, इनटू ये वाला 100 नीचे और ये वाला 100 ऊपर और ये 16 ऊपर है, तो यहाँ डाउन चला जाएगा, 100 100 कट गया, तो 16 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा होता है 96 और तब बचा ये 4 और यहाँ 16, तो इसको हम काटेंगे 4 1 जा 4, तो 1/4%, ठीक है ना, 6 मिक्स्ड 1/4% का लाभ हुआ, सॉरी 6 मिक्स्ड 1/4% दर से 16 वर्ष में दुगना होगा,
16 ईयर में डबल हो जाएगा मनी। इफ टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इट्स पेरिमीटर इज। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन उसकी जो साइड है परपेंडिकुलर, तो एक तो है 12 मीटर, एक है सॉरी सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये परपेंडिकुलर साइड्स इसकी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर बताना, तो पेरीमीटर बताने के लिए तीसरी वाली आर्म्स साइड हमें पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है कि जो जो सबसे बड़ी भुजा ये होती है विकर्ण होता है, इस पे बना वर्ग इन दो भुजाओं के बने वर्ग के बराबर होता है, यानी जो इसका स्क्वायर होता है। तो 12 स्क्वायर का कितना हो गया 144, सॉरी मैं यहां लिख रहा हूं 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जो तीसरी भुजा हो गई इन दोनों के स्क्वायर को हम जोड़ देंगे तो ये इसका भी फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 169 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 13 होगा। तो इसकी तीसरी वाली भुजा 13 हो गई, इन तीनों को आप जोड़ दो 12 और 13 जोड़ के 25 में 5 ऐड कर दीजिए तो 30 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट 154 इंटू 18 इक्वल टू 2772, देन व्हाट इज द 27.72 डिवाइड बाय 1.8। तो देखिए जो मल्टीपल का अगर हम जो सॉरी डेसिमल के जो सिद्धांत पे अगर हम देखें तो यहाँ देखिए ये वाला आंसर यहाँ है, यहाँ डेसिमल है और मल्टीपल में क्या है यहाँ यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। तो क्योंकि इसका आंसर अगर इतना है तो यहाँ देखिए क्योंकि ये प्रश्न में एक अंक के पीछे तरफ डेसिमल है, यहाँ दो अंकों की बाईं तरफ डेसिमल है, इसका मतलब इसमें एक अंक के पीछे यहाँ डेसिमल है, तो सीधी सी बात है कि आंसर 15.4 आ गया ये वाला। आप चाहें तो इसको पॉइंट हटा करके और डिवाइड करके भी देखेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स। देखिए क्रिकेटर ने 24 इनिंग्स खेली और इसका जो एवरेज है 28 रन का है, तो इसको आप सबसे पहले टोटल रन देख लीजिए, टोटल रन कितने बने 24 इनिंग्स के, तो 28 into 24, ठीक है यहाँ पे लिख दीजिए। हाउ मैनी रन्स मस्ट बी स्कोर इन द 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29। अब ये 29 एवरेज बनाना चाहता है और इसकी इनिंग्स ये 25 मैच खेल चुका होगा, एक मैच नेक्स्ट है, तो कितने रन बनाने हैं, तो अब देखते हैं इसके इसके टोटल रन कितने होने चाहिए। तो देखिए मल्टीपल करके स्क्वायर 672 और 725, तो इसका मतलब 725 में से 672 को माइनस करिए तो 12 में से 7 गया 5, इसका मतलब इसको 53 रन बनाने हैं। इन अ स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800। तो देखिए जो बॉयज का नंबर है वो तो फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है 3/5, जबकि गर्ल्स दे रखा है, गर्ल्स के टोटल नंबर्स दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले पता करना है कि ये फ्रैक्शन के रूप में कितना है। तो 5 में से 3 पार्ट जो है बॉयज का है, तो इसका मतलब गर्ल्स का कितना पार्ट है, 5 में से 2 पार्ट है, या आप 1 माइनस इसको कर दीजिए तो इतना ही आंसर आएगा। तो ये किसके बराबर है, 800 के बराबर, यानी ये गर्ल्स जो एक्स का मान है टोटल गर्ल्स, अगर टोटल बच्चे अगर टोटल स्टूडेंट एक्स हैं तो एक्स इंटू 2/5 इक्वल टू 800, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 इंटू 5/2 हो जाएगा, यानी 2000 आ जाएगा। तो 2000 यानी ये टोटल स्टूडेंट की नंबर आ गया, टोटल स्टूडेंट का नंबर आ गया, तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज बताना है तो 2000 में से 800 आप कम कर दीजिए तो 1200 बॉयज होंगे, ये इसका सही उत्तर है। 2,02,000 इस डिजिट्स इज रिटन एज, तो 2 लाख, लाख में 5 जीरोस होते हैं तो 2 लाख ऐसे लिखते हैं,
1, 10, 100, 1,000, 10,000 and lakh, 5 zeros और 2,000, 1, 10, 100 एंड यहाँ पे 2,000 हो गया। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो इस तरह का, तो देखिए ये हो गया 2,02,000, यानी सी वाला आंसर सही। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, तो देखिए स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर यही होता है जो बच्चे ने लिखा है, एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर 9994 बार, फोर टाइम होगा, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो बिल्कुल सही इस बच्चे ने किया है, 90,001 का डिफरेंट होगा। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसको आपने हल करना है, तो चलिए सबसे पहले कोस्ट के भीतर का ये इसको पूरा ही एक साथ में कर रहा हूं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 6, 42 में 13 ऐड करके होता है 55, और 55 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 165, ठीक है, डिवाइड बाय 33 माइनस, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा, और यहां देखिए इसको मल्टीपल करिए तो 8 आ गया, तो 12 में से 8 माइनस हो गया तो 4, तो पहले इससे इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा, तो 5 माइनस 4 यानी आंसर आ गया 1, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स, देखिए फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स क्या होता है, पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5 और 7, इसका सम बताना, तो इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 12 और 3 15 और 2 17, तो इसका सही आंसर होगा 17। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 मिक्स्ड 1 बाय 16 इज, तो देखिए 12 तो पूरा है तो इसको तो दशमलव के बाई तरफ 12 पूरा रहेगा, अब क्या करिए इसको डेसिमल मानने की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो 16 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, यहां हम पॉइंट रखेंगे, तो पॉइंट रखने पर हम एक बार एक शून्य एक जीरो रख सकते हैं, अब 16 से देखिए 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम दूसरा जीरो भी नहीं रख सकते, इसलिए हमने जीरो टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, तो 16 जीरो और यहां बचेगा फिर 10, अब दूसरी स्टेज में एक जीरो और हम बढ़ा सकते हैं, तो 16 6 96, अब यहां 4 आया, यहां एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो 16 2 32, और यहां आया 8, यहां एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो 5 80 हो जाए, 16 5 80, यानी 12 के बाद 0 12.0625, सी वाला आंसर। तो चलिए मैथ्स हमारा समाप्त हो चुका है, अब शुरू करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश का। हैव यू प्लेड द टग ऑफ वॉर गेम, इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम, टू प्ले टग ऑफ वॉर यू नीड सम ओपन स्पेस, अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोप एंड टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स, द गेम विल बी इंटरेस्टिंग ओनली इफ बोथ द टीम्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, अ लाइन इज ड्रॉन बिटवीन द टू टीम्स, द टीम विच गेट्स पुल्ड एंड इज मेड ऑफ अक्रॉस द लाइन इन द मिडिल लॉस द गेम, इन द मिडल लॉसेस द गेम, द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द टीम शुड होल्ड द एंड ऑफ द रोप, ठीक है, एंड द टीम शुड पुल इन अ यूनाइटेड मैनर, द प्ले एरिया शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स अदरवाइज इट कुड कॉज इंजरीज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है टग ऑफ वार इज, तो ये गेम है, ये बिल्कुल सही बच्चे ने किया है, द टग ऑफ वार वी डू, हम क्या करते हैं इसमें, रो पुलिंग का ये गेम है, रस्सा कस्ती जिसे कहते हैं रो पुलिंग, द एंड ऑफ द रोप इज हियर्ड बाय द मेंबर ऑफ द टीम, तो अभी बात आई थी ऊपर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होगा वही एंड
पे लगा होगा, रस्सी के अंत में लगा होगा। द टीम विच इज पुल्ड अक्रॉस दैट लाइन इन द मिडिल ऑफ, जो मिडिल लाइन से जो टीम इधर आ जाएगी वो टीम हार जाएगी, तो द लूजर, बी वाला आंसर सही। द वर्ल्ड यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब टुगेदर रहना, साथ साथ रहना, ये इसका मीनिंग है, बिल्कुल सही है। देयर आर ओनली टू सिंपल रूल्स टू फॉलो, द लूज वेट और टू मेंटेन अ हेल्दी वेट। दे आर टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट विद लेस फैट एंड शुगर एंड टू एक्सरसाइज मोर। यू डोंट हैव टू स्ट्रेव टू लूज वेट If you eat less sugar, cakes, biscuits and eat more fruits and vegetables and drink plenty of water, you will lose weight and be healthier. Go for a walk or cycling every day. Be more active instead of watching television or playing video games. Ab is pe question hai, how can We remain healthy. हम हेल्दी कैसे हो सकते हैं? तो उसने ऊपर बात कही है, by eating a balanced diet and doing exercises. What do we have to eat more to lose weight? वेट कम करने के लिए उसने ऊपर कहा है कि फ्रूट और वेजिटेबल ले, केक बिस्कुट शुगर ये चीजें न ले। What do we have to drink in plenty of remain healthier? तो क्या खाना चाहिए, तो क्या पीना चाहिए, वाटर पीना चाहिए, ये पैराग्राफ में आया है। विच इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल, तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज कहा गया है इसमें कि वॉकिंग एंड साइकिलिंग। विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्टिव, तो एक्टिव का अपोजिट क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है, तो सही बी वाला होगा। ऑटम इज अ रीजन दैट फॉल्स बिटवीन समर एंड विंटर। देयर आर मैनी चेंजेस दैट बिगिन इन दिस ब्यूटिफुल सीजन। डेज बिकम शॉर्टर, लीव्स ऑफ ट्रीज टर्न फ्रॉम ग्रीन टू लाइवली रेड, येलो एंड ऑरेंज। इन फैक्ट ट्रीज नीड सनलाइट टू कीप देयर लीव्स ग्रीन। Without sunlight, leaves turn pale. The grass is no longer blanketed with dew, but with frost almost every morning as temperatures reach the freezing point. Animals start storing up a food supply to last through the long winter months. These changes occur as we adjust from the heat of the summer to the chill of the winter. तो पहला प्रश्न इस पे है, autumn occurs between summer and, तो जो autumn आता है summer और winter के बीच में आता है, which of the following changes may occur during autumn? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, autumn में दिन छोटे होने लगते हैं, days becomes shorter. Leaves turn pale during autumn because they, अभी ऊपर बात आई है कि उनको sunlight नहीं मिल पाती है, तो don't get enough light. What do animals begin to do to prepare for the end of autumn? तो फिर क्या करते हैं, अपने लिए food store करते हैं। Another word for blanketed, इसके लिए दूसरा शब्द होगा covered with, ये वाला बिल्कुल सही है, किसी चीज को ढकना, जैसे ओस घास को ढकती है। दीपक वॉज एक्साइटेड, ही वॉज गोइंग ऑन अ पिकनिक ऑन संडे विद हिज अंकल एंड कजिन प्रीता एंड रिया। ही पैक्ड हिज बैग पैक विद हिज स्विमिंग किट, स्नेक्स एंड प्ले थिंग्स। दे स्टार्टेड एट 6 AM इन द मॉर्निंग। It was a long drive and they reached the picnic spot at 9 AM. It was a farmhouse in a village. They walked around the village to see the paddy fields
एंड लर्नड हाउ द राइस इज ग्रोन. दे क्लाइम्ड ट्रीज एंड प्लक्ड मैंगोस एंड गुआवास. इन द आफ्टरनून दे सैट अंडर अ ट्री एंड हैड लंच. When uncle said it was time to return home, they wanted to stay longer because they liked the village so much. अब इस पर आधारित प्रश्न है. The word excited means, तो इसका मतलब भी बिल्कुल बच्चे ने सही किया है, very happy. Deepak and his cousins, तो ये कहाँ गए थे, enjoyed the picnic. दीपक वेंट ऑन अ पिकनिक विद हिज, तो किसके साथ गया था, अंकल एंड कजिन्स रिया और रीटा के साथ, रिया और प्रीता के साथ. द पिकनिक स्पॉट वॉज इन अ, तो ये कहाँ था, ये गांव में था, ये गांव घूमे भी थे और वहां पर फार्म हाउस भी था, तो इसका आंसर विलेज होगा. द लास्ट क्वेश्चन इज अंकल शोड दीपक हाउ, तो उसने क्या बताया था कि राइस कैसे उगाया जाता है, पैडी फील्ड देखने गए थे, तो राइस इज ग्रोन. ये वाला आंसर बिल्कुल सही है. अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इसी के साथ थैंक्स, ओके बाय.